हेलो गाइज, आपका बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल के कॉर्नर वीडियो में। तो आज की वीडियो में रिव्यू करने वाला हूँ सेगा लेके सोब्रा किट का। तो चलिए सबसे पहले मैं आपको दिखा देता हूँ इसका बॉक्स ओवरव्यू, उसके साथ में इसकी बॉक्स के कंटेंट्स और स्पेसिफिकेशंस। लास्ट में मैं आप लोगों को दिखा दूंगा इस डिवाइस का बिहेवियर प्रोडक्शन, उसके साथ में इस डिवाइस के कुछ प्रोज एंड कुछ कॉन्स। तो अगर आप बात करी जाए बॉक्स ओवरव्यू की, तो यहाँ पर आपको देखने के लिए मिल जाती है सेगली की ब्रांडिंग, और यहाँ पर आपको मिल जाता है आपका मॉडल नेम जो कि है सोब्रा किट। यहाँ पर आपको फोटो मिल जाती है आपके वेव की, जिस टाइप का आपका वेव आपके बॉक्स के अंदर होने वाला है, जो उसका कलर होगा उसी टाइप की प्रिंटिंग आपको मिल जाएगी आपके बॉक्स के ऊपर। उसके साथ में बॉक्स पर और पीछे की तरफ देखा जाए तो काफ़ी सारी चीज़ें लिखी हुई हैं। अगर आप इन्हें पढ़ना चाहते हैं तो वीडियो पॉज करके पढ़ सकते हैं। ये जो कि डिवाइस है ये है 198 वॉट्स का, और मिनिमम इसको ले जा सकते हैं आप 10 वॉट्स तक। अगर आप इसे वोल्टेज बोर्ड में यूज़ करना चाहें वोल्ट्स में, तो आप इसे ले सकते हैं 6.4 वोल्ट का इसके अंदर इनपुट है, और उसके साथ में बैटरी जो आप इसके अंदर लगाएंगे मेनली उसके लिए है, जो यहाँ पर लिखा हुआ है 6.4 वोल्ट्स, और 8.4 वोल्ट्स तक की आप इसमें बैटरी लगा सकते हैं। जो ये आउटपुट देगा उस पर आपको ये देगा 1 वोल्ट टू 7.5 वोल्ट्स तक। फिर इसी तरीके से यहाँ पर काफ़ी सारी चीज़ें और भी लिखी हुई हैं। ये इनके दो स्टोर हैं, जो कि एक है सिगली का, जिसके ऊपर मैंने पहले जो एक वीडियो बनाई थी वुल्फ सीरीज़ वाली, उनके वेप हैं वो आपको दूसरे वाले ब्रांड पर मिलते हैं। और उसके साथ में इनकी दूसरी साइट है जिसपे आप लोगों को ऐसे सोब्रा किट्स वाली चीज़ें मिलती हैं, जो कि आपके मेनली जो कि स्नेक स्किन होती है उससे इंस्पायर्ड है इनका पूरे वेप वो वाला पूरी सीरीज़। उसमें सारी आपको जितने भी वेप हैं वो ऐसे ही मिलेंगी, जिनके ऊपर आपको स्नेक स्किन की प्रिंटिंग मिलेगी। उसी के साथ में साइड में भी यहाँ पर काफ़ी कुछ लिखा हुआ है, अगर आप इन्हें पढ़ना चाहते हैं तो वीडियो पॉज करके पढ़ सकते हैं। अब चलिए मैं जल्दी से बॉक्स को खोल लेता हूँ। यहाँ पर आपको मिल जाती है इसकी मैन्युफैक्चरिंग डेट, जो कि 2018 8th month and 28th date, मेड इन चाइना, सिगली की यहाँ पर ब्रांडिंग। इसे ओपन करते के साथ में ही यहाँ पर भी आपको यही सब कुछ लिखा मिल जाता है, जो कि आपको पीछे बॉक्स पे लिखा हुआ था पहले जो ऊपर कवर पे था। बट यहाँ पर आपको एक चीज़ नहीं मिल जाती, वो है ये मैन्युफैक्चर्ड बाय सिगली, और ये आपको मिल जाता है यहाँ पर एक स्क्रैच कोड, जिसे स्क्रैच करके आप देख सकते हैं कि आपका जो कि ये डिवाइस है ये ओरिजिनल है या फेक है। यहाँ पर जो आपको एक लिखा हुआ कोड सा मिल जाता है, अगर आप इसे स्कैन करेंगे यहाँ पर पीछे, या फिर आप इनकी जो ऑफिशियल साइट है उसे खोल के यहाँ पर ये वाला आप कोड डालते हैं, तो आपको पता चल जाएगा कि आपका जो कि डिवाइस है ऑथेंटिक है या फिर फेक है। उसके साथ में बॉक्स तो काफ़ी अच्छा दे रखा है, मैं इसको अनबॉक्स कर लेता हूँ और आपको दिखा देता हूँ कि बॉक्स के अंदर हमें क्या क्या चीज़ें देखने के लिए मिल जाती हैं। तो सबसे पहले हमें देखने के लिए मिल जाता है हमारा मॉड, जो कि बहुत ही अच्छा मॉड है, हैवी मॉड है। और दूसरा यहाँ पर आपको मिल जाता है एक 510 कनेक्शन। ये जो कि आप इसकी आईज देख पा रहे हैं, इसके अंदर भी लाइट जलती है जो कि बहुत ही अच्छी लगती है। वेव करते समय मैं आपको वो दिखा दूंगा। ये आपको मिल जाते हैं इसके वोल्टेज अप एंड डाउन के बटन, और ये चार्जिंग पोर्ट। नीचे यहाँ पर आप इसके अंदर बैटरीज को लगा सकते हैं, और पीछे की तरफ यहाँ पर आपको सोब्रा की ब्रांडिंग मिल जाती है, आगे सिगली की ब्रांडिंग मिल जाती है, ये मिल जाती है आपको एक डिस्प्ले। तो चलिए फिलहाल इसको साइड में रखते हैं, और आगे की बात इसके बारे में आपको मैं आगे बताऊंगा वीडियो के अंदर। उसी के साथ में हमें यहाँ पर देखने के लिए मिल जाता है हमारा मेन टैंक, इसके ऊपर भी आपको जो ये ओरिंग मिल जाती है ये आपको मिल जाती है सेम उसी तरीके की जिस तरह का आपका मॉड है। यहाँ पर ये आपका ये टॉप फिल है, और इसको फिल करना काफ़ी इजी है, इसको आपको केवल रोटेट करके इसे ओपन कर लेना है, और उसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं एक पोर्शन है जहाँ से आप इसे फिल कर सकते हैं। अभी आप जैसे कि देख पा रहे हैं इसके अंदर थोड़ा बहुत फ्लेवर अभी बचा हुआ है। मैं इसके अंदर जो फ्लेवर यूज़ कर रहा हूँ ये है दी मैमसन की तरफ से पर्पल चीज़ केक। मैं फोकस करके आपको दिखाता हूँ, पर्पल चीज़ केक ये फ्लेवर है, और ये 3 mg निकोटीन के साथ में 70-30 VGPG ब्लेंड है। तो इसके अंदर आप अगर फ्लेवर को फिलअप कर देते हैं तो भी इसके ऊपर आपको एक ऐसी सील मिल जाती है कि अगर आप इसे रोटेट कर दें तो इसके अंदर से वो फ्लेवर गिरने वाला नहीं है। एक्सीडेंटली आप इसे गिरा दें या फिर पलट दें तो इसके अंदर फ्लेवर नहीं गिरेगा, तो ये काफ़ी अच्छी चीज़ लगी मुझे। इसके अंदर आप लोगों को रेगुलर जो कॉइल लगी हुई आती है वो अभी इसके अंदर लगा रखी है। इसके अंदर आपको मैश कॉइल नहीं मिलती है, दोनों की दोनों ही आपको रेगुलर कॉइल्स मिल जाती हैं जो कि इस तरह से होती हैं स्प्रिंग वाली। तो ये है हमारी एक्स्ट्रा कॉइल जो कि हमें इसी बॉक्स के अंदर मिल जाती है, जो कि नॉर्मल कॉइल है। इसी के साथ में बॉक्स के अंदर हमें देखने के लिए मिल जाते हैं कुछ एक्स्ट्रा ओरिंग्स, उसी के साथ में आपकी 510 कनेक्शन वाली पिन्स, और यहाँ पर एक 510 कनेक्टर वाली जो कि आपकी पिन है जो कि आपके यहाँ पर टैंक में लगी हुई है। ये जो नीचे पिन है ये पिन्स हैं, और इसके साथ में एक गैस्केट भी दे रखी है जो कि आपकी शॉर्टिंग से आपको बचाएगी। दूसरा यहाँ पर आपको एक और रिंग मिल जाती है, वही फ्लेवर होल्डिंग वाली रिंग जो कि ये वाली है। तो काफ़ी अच्छी चीज़ आपको यहाँ पर काफ़ी सारी रिंग्स मिल जाती है, उसी के साथ में मिल जाता है एक एक्स्ट्रा ग्लास पीस। अगर आपका ये वाला बबल ग्लास टूट जाता है तो आप ये दूसरा वाला ग्लास पीस यूज़ कर सकते हैं इस डिवाइस के साथ में। इसी के साथ में बॉक्स के अंदर में देखने के लिए मिल जाते हैं कुछ पेपर वर्क्स, तो यहाँ पर आपको काफ़ी सारे पेपर वर्क देखने के लिए मिल जाते हैं। ये है आपकी डिवाइस के लिए जो कि आपकी मैनुअल है, जिसको यूज़ करके आप देख सकते हैं कि आपकी जो डिवाइस है उसके अंदर क्या क्या फंक्शंस हैं। मैं आपको सजेस्ट करूँगा एक बार आप इसे ज़रूर से पढ़ लें। इसी के साथ में यहाँ पर आपको और भी कुछ कार्ड्स मिल जाते हैं जो कि इसके वारंटी के ऊपर है कि आपको वारंटी कहाँ कहाँ पे प्रोवाइड कराई जाएगी। दूसरा यहाँ पर आपको मिल जाता है एक और कार्ड जो कि सिक्योरिटी कोड, जो कि मैंने आपको इस पर अभी दिखाया था स्क्रैच करके, उसको आपको किस तरह से चेक करना है ये उसके लिए है।
तो अब से उसे पता कर सकते हैं कि आपका जो ये डिवाइस है ओरिजिनल है या फेक है। वैसे एक क्वेश्चन कार्ड आपको मिल जाता है यहाँ पर देखने के लिए क्यूएसी पास, और यहाँ पर आपको मिल जाता है कि आपको इसमें कॉइल किस तरह से इंसर्ट करनी है, उसी के साथ में जो नीचे मैंने अभी आपको दिखाई थी यहाँ पर इसकी ये पिंस ये किस तरह से इंस्टॉल करनी है, सारी चीज़ें आपको यहाँ पर देखने के लिए मिल जाती हैं। तो चलिए इसके अलावा हमें बॉक्स में मिल जाता है देखने के लिए हमारा चार्जिंग केबल। तो इसकी जो चार्जिंग केबल है इसकी बिल्ड क्वालिटी काफ़ी अच्छी है, बट हाँ ये वैसी चार्जिंग केबल नहीं है जैसे कि हमें सिगली के साथ में मिली थी, वो काफ़ी अलग सी चार्जिंग केबल थी। ये नॉर्मल वाली चार्जिंग केबल है, बट इसकी भी बिल्ड क्वालिटी मेरे को देखने में काफ़ी अच्छी लगी थी, प्रीमियम क्वालिटी की है। तो चलिए इन सबको आप रखते हैं साइड में, बढ़ते हैं अपने मेन मॉड की तरफ और मैं आपको उसकी सारी स्पेसिफिकेशंस दिखा देता हूँ। तो अब इसके अंदर मैं बैटरी लगा चुका हूँ, यहाँ पर जो मैं बैटरी यूज़ कर रहा हूँ ये है AWT की बैटरी, और मैं सजेस्ट आपको हर वीडियो में यही कर रहा हूँ कि आप इसके अंदर AWT की ही बैटरी यूज़ करें क्योंकि उनकी जो क्वालिटी है वो बहुत ही अच्छी है। बट अभी ये डिस्चार्ज हो रखी है तो मैं इनको दोबारा से चार्ज कर लूँगा, और चार्जिंग के लिए आप इसको डिवाइस से चार्ज ना करें। AWT के काफ़ी सारे चार्जर्स आते हैं, आप उन चार्जर्स को यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पर जो बैटरी है अभी ये 37% है जैसे कि आप लोग इस डिस्प्ले पे देख सकते हैं। बाय डिफॉल्ट जैसे आप इसे ऑन करेंगे 111 पे ही ऑन होने वाला है, 111 वॉट पर। तो चलिए अब इसको हम अप डाउन कर सकते हैं यहाँ से अगर आप चाहें तो। और ये जो ये कॉइल है इनकी जो वर्किंग है वो भी काफ़ी ज़्यादा हाई वोल्टेज पे है, तो काफ़ी अच्छी चीज़ है। उसी के साथ में पीछे की तरफ मैं आपको ये सब मैं आपको पहले ही दिखा चुका हूँ इसकी किस तरह से ये ग्रिपिंग मिल जाती है, और लुकिंग वाइज तो मॉड बहुत ही अच्छा है। चलिए देखते हैं इसकी सेटिंग्स। तो आपको इस फायर बटन को 3 बार दबाना है और उसके बाद आप इसकी सेटिंग्स में आ जाएंगे। तो यहाँ पर जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर आपको मिल जाते हैं मोड, तो मोड पर आपको क्लिक करने के लिए फायर बटन को दबाना है, और उसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं पावर, स्टेनलेस स्टील, टाइटेनियम, निकल, TCR, इस तरह काफ़ी सारी चीज़ें मिल जाती हैं। मैं इसे पावर पर रखने पसंद करता हूँ। उसी के साथ में आप इसे फिर से 3 बार दबाएं, यहाँ पर आपको मिल जाएंगी स्क्रीन। तो स्क्रीन में आपको 2 टाइप की इसके अंदर स्क्रीन मिल जाती है, एक तो नीचे ब्राइटनेस है, दूसरा अगर आप गाइड पर क्लिक करते हैं तो यहाँ पर आपको इस टाइप से 2 स्क्रीन्स देखने के लिए मिल जाती हैं। आपको जैसी भी स्क्रीन पसंद है आप उसको वैसी स्क्रीन यहाँ पर रख सकते हैं। उसी के साथ में चलिए मैं आपको दिखाता हूँ इसकी और कुछ सेटिंग्स। अगर आप इसे सेट करते हैं तो वापस से आप यहाँ पर आ जाएंगे पावर सेविंग मोड, उसी के साथ में आपका यहाँ पर 0 पफ्स, पफ काउंटर चेंज करने के लिए प्री हीट आपका ये होता है जब आप इसको फायर कर रहे हैं तो पहले हीट अप होगा, फिर थोड़ा कम होगा, फिर हीट होगा, एक तरीके कर्व की तरह। तो इसका वो रहता है सिस्टम यहाँ पे प्री हीट का, हार्ड, नॉर्मल, सॉफ्ट या फिर यूज़र, आप जिस तरह से उसे रखना चाहते हैं यहाँ पे आप सबसे नीचे लगा करके इसे उस तरह से रख सकते हैं। जैसे कि अभी आप देख सकते हैं वोल्टेज कितना रहना चाहिए, उसी के साथ में कितने सेकेंड्स तक रहना चाहिए, आप इसके अंदर हर एक चीज़ यहाँ से कंट्रोल कर सकते हैं। और इसके अलावा यहाँ पर आपको ओम्स रीडिंग देखने के लिए मिल जाती है जो कि 0.27 ओम्स और 4.97 वोल्ट्स। अभी ये जो आपका आउटपुट नहीं है ये है आपकी बैटरी जितनी इसके अंदर बची हुई है उसका वोल्टेज, उसका मतलब वोल्ट्स। और अभी इसे हमने 90 वोल्ट्स पर रख रखा है। मैं आपको दिखाता हूँ इसकी ये कि लाइट्स हैं किस तरह से ग्लो करती हैं। जैसे आप इसे फायर करेंगे यहाँ पर ये लाइट्स जलने लग जाती हैं। मैं आपको इसे ज़्यादा देर तक फायर करके नहीं दिखा रहा हूँ क्योंकि वरना फिर कॉइल हमारी जल जाएगी। और लुकिंग वाइज तो काफ़ी अच्छा डिवाइस है। यहाँ पर जो मैं फ्लेवर यूज़ कर रहा हूँ ये आपको मैं दिखा चुका हूँ, ये है दी मेमेसन की तरफ से पर्पल चीज़ केक, और ये 3 mg निकोटीन के साथ में 70-30 VGPG रेशो है, 100 ml की बोतल है जो कि आपको बहुत ही अफोर्डेबल प्राइस पे मिल रही है। अगर आप इसे लेना चाहते हैं या फिर इस डिवाइस को लेना चाहते हैं, बैटरीज को लेना चाहते हैं, चार्जर्स को लेना चाहते हैं, आप इस वीडियो में दिखाई हुई किसी भी चीज़ को अगर लेना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में मैं आपको लिंक दे दूंगा, वहाँ से जाकर के आप इनमें से कोई सी भी चीज़ ले सकते हैं। मैं आप लोगों को सजेस्ट करूँगा, पहले फिर से मैं बता देता हूँ आपको, इसको आप बैटरीज जो है उनको आप इस डिवाइस से चार्ज ना करें। डिवाइस के अंदर भी सेफ्टी फीचर्स हैं बट वो जो कि आपकी बैटरी है वो उतनी अच्छे से चार्ज नहीं होगी, उसकी क्वालिटी गिर जाएगी, इसलिए आप यूज़ कर सकते हैं AWT के चार्जर्स। उन सब चीज़ की लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वहाँ से जाकर के आप इसे ले सकते हैं। तो चलिए अब टाइम आ गया है इसको हमें वेप करके दिखाने का कि इसके अंदर आपको वेप प्रोडक्शन कितना मिल जाता है। तो चलिए अब हम इसे कर लेते हैं रिफिल। तो रिफिल करने के लिए सबसे पहले कैप को हटाइए और बस इसके ऊपर पंच करिए आप अपने जो कि ई लिक्विड का आपका जो ये टिप होती है उसे, और बस आप इसे रिफिल कर सकते हैं। गलती से एक्सीडेंटली अगर आप इसे पलट भी देते हैं तो इसके अंदर से फ्लेवर गिरने वाला नहीं है। तो चलिए देखते हैं अब इसका वेयर प्रोडक्शन कितना होने वाला है। तो जैसा कि आप लोगों ने देखा ये थी इस डिवाइस की अनबॉक्सिंग, उसके साथ में इसका रिव्यू। अब मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ इसका वेयर प्रोडक्शन। तो वेयर प्रोडक्शन चेक करने के लिए यहाँ पर जो मैं फ्लेवर यूज कर रहा हूँ यह है दी मेमेसन की तरफ से पर्पल चीज केक, ये 70-30 VGPG ब्लेंड वाला एक फ्लेवर है। तो चलिए इसे वेप करके देखते हैं इसके अंदर आपको वेयर प्रोडक्शन कितना मिल जाता है। यहाँ पर इस डिवाइस को मैं यूज कर रहा हूँ अप टू इसे हम लेके चले जाते हैं 60 वॉट्स तक। चलिए मैं इसे 60 वॉट्स पर ले जाता हूं। तो अब मैं इसे 60 वॉट्स पर ले जा चुका हूं। चलिए देखते हैं इसका वेयर प्रोडक्शन कितना होने वाला है।
तो जैसा कि आप लोग देख सकते हैं इसका फ्लेवर प्रोडक्शन बहुत ही अच्छा है। उसके साथ में अगर फ्लेवर प्रोफाइल की बात करी जाए तो ये जो फ्लेवर है ये बिल्कुल इसके नाम से रिजेंबल करता है चीज केक से। इसके अंदर आपको केक बैटर का इसके अंदर स्वाद आपको मिल जाता है। उसके साथ में थोड़ा सा स्वीट फ्लेवर है, थोड़ा थोड़ा मुझे जो इसके ऊपर लग रहा है जो कि गार्निशिंग होती है नारियल की गोले की, जो कि गार्निशिंग होती है घिसे हुए गोले की, थोड़ा थोड़ा इसके अंदर वैसा फ्लेवर है बट कोकोनट जैसा इसके अंदर फ्लेवर है। बट इसके ऊपर जो आप फ्लेवर प्रोफाइल थी उसके अंदर ऐसा नहीं लिख रहा है, हो सकता है ये सब्जेक्टिव हो सकता है, मेरे को वैसा फ्लेवर लग रहा है बट आप लोगों को ना लगे। जो कि इसकी फ्लेवर प्रोफाइल ऑनलाइन दिखा रखी है उसमें ये है, आपको इसके अंदर मिल जाता है चीज़ केक, उसके बाद में पर्पल जैम, और पर्पल जैम से इनका मीन्स है आई गेस ब्लूबेरी जैम या फिर एक सम काइंड ऑफ जैम, स्वीट फ्लेवर है बट हाँ डेफिनेटली रिकमेंडेड फ्लेवर है। मेरे पास इनके काफ़ी सारे फ्लेवर्स हैं जिनका मैं एक एक करके रिव्यू करता रहूँगा और सारे ही फ्लेवर मुझे बहुत ही बढ़िया लगे। अभी मैंने इससे पहले यूज़ किया था मामा मेलन जो कि बिल्कुल से मेलन जैसा उसका टेस्ट था, और इसके साथ में जो कि आपकी ग्रीन वाली आती है आपकी एक च्युइंगम जो कि सेंट ऑफ फ्रूट की है शायद, उसके जैसा फ्लेवर था, बहुत ही अच्छा फ्लेवर था वो भी, और उसके साथ ये फ्लेवर भी काफ़ी अच्छा है, डेफिनेटली रिकमेंडेड है। वीडियो के अंदर दिखाई हुई हर एक चीज़ की लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वहाँ जाकर के आप इसे ले सकते हैं। तो चलिए अब हम बात करते हैं इस डिवाइस के प्रोज एंड कुछ कॉन्स की। तो सबसे पहला प्रो, यहाँ पर आपको एक्स्ट्रा ग्लास पीस मिल जाता है, दूसरा ग्लास पीस अगर आपका एक टूट जाए तो दूसरा ग्लास पीस आपके पास में होगा। इसकी फिलिंग की टॉप फिल आपको मिल जाता है, उसी के साथ में जो इसके ऊपर रबर मिल जाती है वो मैं और किसी भी मॉडल में आज तक उसे नहीं देखा है। अगर आप इसके टॉप कैप को रिमूव भी कर दें और उसके बाद आप इसको उल्टा कर देते हो वो स्पिल नहीं होने वाला है, इसके अंदर लिक्विड नहीं बहेगा, तो वो काफ़ी अच्छी चीज़ है। दूसरा लुक वाइज बहुत ही अच्छा है इसकी, यहाँ पर जो ये रेड कलर की आईज सी जलती हैं ये भी देखने में काफ़ी अच्छी लगती हैं, और डिस्प्ले भी सही है इसकी, ब्राइट डिस्प्ले है, कलर डिस्प्ले काफ़ी अच्छी लगती है वो भी, और फायर बटन इसका ठीक वर्क कर रहा है। बट यहाँ पर मेरे को एक चीज़ समझ में नहीं आई, जैसे ही मैं इसको अभी 60 वॉट पर लेकर गया था यहाँ पर मैंने इसका स्मार्ट मोड ऑफ कर रखा, लेकिन उसके बाद भी एक दो फायर के बाद ही 24 वॉट्स पर दोबारा से आ गया है। इसका मींस ये हो सकता है शायद बैटरी डिस्चार्ज है उसकी वजह से आ रहा है, या फिर एक आपको टेम्परेचर बताया जा रहा है कि आप इसको इस टेम्परेचर पर यूज़ करें, मे बी इसके अंदर कोई स्मार्ट मोड है जो कि मैं अभी तक वहाँ उस सेटिंग तक पहुँच नहीं पाया हूँ। हो सकता है यहाँ पर कोई सेटिंग पर स्मार्ट मोड हो या फिर पावर में यहाँ पर ऐसा कुछ हो जिसकी वजह से वापस से उसको ड्रॉप डाउन कर रहा है, या फिर ये बैटरी वीक है उसकी वजह से हो रहा है, तो इस चीज़ के बारे में आपको अभी बता नहीं सकता। आने वाली वीडियो में इसको फुल चार्ज करके मैं यूज़ करूँगा, उसके बाद आपको बता दूंगा कि इसके अंदर इस वजह से ऐसे ये ड्रॉप डाउन हो रहा है, क्योंकि इससे पहले मैंने फुल चार्ज बैटरी पर यूज़ किया उसमें ऐसा कोई भी ड्रॉप डाउन नहीं होता है, तो ये फर्स्ट टाइम है। उसी के साथ में अब इसके कुछ कॉन्स की बात करी जाए तो ये थोड़ा बल्की है, हाथ में थोड़ा आपको बल्की सा लगेगा, और दूसरा थोड़ा हैवी भी है, बट हाँ हैवी चीज़ कोई बात नहीं है, वो आपको प्रीमियम लुक देती है। बट यहाँ पर आपको ये जो प्लास्टिक बॉडी यूज़ करी गई है इससे मैं ज़्यादा खुश नहीं हूँ, अगर यहाँ पे थोड़ा जिंक अलॉय यूज़ करते और उसके ऊपर इस टाइप की कुछ फिनिशिंग दे देते वो ज़्यादा अच्छा लगता, जो कि इन लोगों ने अब लॉन्च किए हैं उसके अंदर आपको शायद जिंक अलॉय ही दिया जा रहा है। बट यहाँ प्लास्टिक बॉडी होने की वजह से अगर ये गिरता है तो टूटने के चांसेस होंगे, टूटना भी नहीं तो उसके अंदर स्क्रैचेस और दूसरा क्रैकिंग तो ज़रूर आई जाएगी। और ओवरऑल डिवाइस काफ़ी अच्छा है, टू वे इसके अंदर आपको एयर फ्लो मिल जाता है, दो कॉइल मिल जाती है, दोनों की दोनों इसके अंदर नॉर्मल कॉइल है, अगर एक कॉइल मैश कॉइल होती तो ज़्यादा अच्छा रहता। और इंटरफेस भी काफ़ी इजी है, कोई भी नॉर्मल इंसान इसको बहुत ही ईजिली यूज़ कर सकता है, बिगिनर भी इसे बहुत ही ईजिली यूज़ कर सकते हैं। और दूसरे कर्व्स हो गए, TCR हो गए और आपके टेम्परेचर कंट्रोल, उन्हें मैं मेनली यूज़ करता नहीं इसलिए मैं उसके ऊपर आपको ज़्यादा बोल नहीं पाऊंगा उस चीज़ के बारे में। ओवरऑल डिवाइस काफ़ी अच्छा है, एक बार ज़रूर से मैं इसको आप लोगों को सजेस्ट करूँगा, आप ज़रूर से लेके देखें इसे और एक बार ट्राई दें इस डिवाइस को। मैं दो डिवाइस आपको मेनली सपोर्ट करता हूँ, क्योंकि मेरे पास कुछ लोगों का भी कमेंट आ रहा था कि बिगनर हैं कुछ हमें डिवाइस आप सजेस्ट करिए जिनके लिए हम ले सकें, तो मैं आप लोगों को सजेस्ट करूँगा टेरॉट बेबी, काफ़ी अच्छा है, अंडर इनबिल्ट बैटरी है, आपको कोई भी शॉर्टिंग की चिंता नहीं होगी या फिर ब्लास्टिंग की या फिर वेंटिंग, इस ये सब ज़्यादा परेशानी उसमें नहीं है एक्स्ट्रा बैटरीज वाली, डायरेक्टली उसे चार्ज करें और यूज़ कर सकते हैं। तो टेरॉट बेबी फर्स्ट नंबर पर मैं सजेस्ट करूँगा। दूसरा, अगर आप स्मोकिंग छोड़ना चाहते हैं और स्मोकिंग मतलब आप हद से ज़्यादा करते हैं तो आप लोग जा सकते हैं माइली के लिए, माइली हो गया, सॉल है, जूल है, जूल एक बार को आपको बैटरी कैपेसिटी पर थोड़ा डाउन रह जाता है, इसलिए माइली और सॉल दोनों बेस्ट रहेंगे। तो एक बार चलिए लास्ट में एक बार फिर से आपको इसका वेयर प्रोडक्शन दिखा देता हूँ, उसके बाद इस वीडियो को यहीं ख़त्म करते हैं। अभी मैं इसे लेके गया था 60 पर, अगेन ये 48 पर है, पता नहीं इसके अंदर क्या प्रॉब्लम आ रही है, धीरे धीरे इसका टेम्परेचर अपने आप ही गिरता जा रहा है। चलिए वो हो सकता है बैटरी की कमी की वजह से हो रहा है, क्योंकि बैटरी डिस्चार्ज है, क्योंकि ऐसा पहले कभी नहीं हुआ था। तो आज की वीडियो के लिए बस इतना ही, अगर आपकी वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।